Hello students, this is the question from exercise 6.2 chapter 6 lines and angles. Question number 4. In the given figure, if PQ is parallel to ST, and angle PQR is equal to 110 degree. PQR, this angle is 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. RST means this angle is equal to 130 degree. Find angle QRS. ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, राइट? तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. हम R पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू PQ. इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट? इसको हम ले लेते हैं AB. ठीक है, तो हमने क्या करा है? ड्रॉ अ लाइन ARB पैरेलल टू PQ, राइट? अब देखो, PQ किसके पैरेलल थी? PQ इज पैरेलल टू ST. Right? As PQ is parallel to ST, ये हमें गिवन है, राइट? अब देखो, ये लाइन PQ के पैरेलल है. ARB is parallel to PQ and PQ is parallel to ST. Then जो ARB होगी, this is also parallel to ST. ठीक है ना? देखो, अगर ये दो तीन लाइंस हैं, ठीक है, इसे L ले लेते हैं, इसको M ले लेते हैं और इसको N ले लेते हैं. अगर L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है तो L N के पैरेलल होगी ना. अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी ना. तो वही यहाँ पर करने वाले हैं कि ARB इज पैरेलल टू PQ एंड PQ इज पैरेलल टू ST. तो देयरफॉर ARB is also parallel to ST. ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है. Now देखो, PQ is parallel to ARB, मतलब PQ is parallel to AR, right? PQ is parallel to AB लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है. PQ is parallel to AB and QR is a transversal right? ये PQ is parallel to AB and QR is transversal. Therefore, this angle, angle PQR plus angle QRA is equal to 180 degree. दोनों का एंगल क्या हो जाएगा? 180 degree supplementary. बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कैसे एंगल कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है. तो हम इस एंगल की नेमिंग कर सकते हैं. हम इस एंगल को 1 लिख के भी कर सकते हैं, उससे इजी हो जाता है, ठीक है. तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या लिख देंगे इनको हम? को इंटीरियर एंगल्स, आर सप्लीमेंट्री, राइट? इससे एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये हमारे पास आ गया एंगल 1, ठीक है. ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया. अब देखो, हमने अभी प्रूव करा है कि AB इज पैरेलल टू ST, ठीक है. जब ये AB इज पैरेलल टू ST एंड SR इज अ ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर दिस एंगल RST प्लस एंगल एसआरबी, इसको एंगल ले लेते हैं एंगल 2, तो 130 डिग्री प्लस एंगल 2 दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, देखो ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए और इनका सम क्या हो गया 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज वी नो that AB is parallel to ST, ठीक है, from 1, तो therefore angle 2 plus साथ में लिख दो SR is a transversal and SR is a transversal, right? Therefore angle 2 plus 130 degree that is equal to 180 degree. Angle 2 plus 130 degree is equal to 180 degree. क्या हो गया, ये भी सेम प्रॉपर्टी आ गई co-interior angles, ठीक है। तो इससे जो हमारा एंगल 2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130, देन एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। एक रिजल्ट आ गया हमारे पास ये, ठीक है। एंगल 1 पता चल गया, एंगल 2 पता चल गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, देखो हमें फाइंड करना था QRS, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो देखो AR भी एक लाइन है और ये तीनों एंगल्स, एंगल 1, एंगल QRS और एंगल 2 एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरीके से समझ लो, यहाँ पर समझ लो कि ये हमारे पास एक लाइन है, ये एक पॉइंट था R, ये A था और ये B था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दो एंगल बन रहे थे, ये Q पॉइंट था और ये S पॉइंट था। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी, सम ऑफ द एंगल्स एट ए लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है। एक लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 की जगह हमारी वैल्यू आई थी 70 डिग्री, तो यहां लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल QRS हमें फाइंड करना है और एंगल 2 था हमारा 50 डिग्री। ये देखो ये रहा हमारा एंगल 2 और ये रहा हमारा एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इससे एंगल फाइंड कर लेंगे, तो एंगल QRS प्लस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देन एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, दैट इज 120 डिग्री। देन एंगल, देयरफॉर एंगल QRS कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री, राइट। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ऑन कर दें सो दैट आपको न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।